वेलकम बैक दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल कंपैरिजन करने जा रहे हैं न्यू अर्टिका के टॉप मॉडल ZXi और ZXi प्लस के बीच में, और आपको बताएंगे इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में आपको कितने प्राइस और फीचर का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो डिटेल कंपैरिजन के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वाहन ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले दोनों के प्राइजेस और उनके डिफरेंसेस के साथ में। तो अर्टिगा का ZXi वेरिएंट आपको 10,59,000 रुपीज के एक्स शोरूम कॉस्ट पर मिलता है, वहीं ZXi प्लस वेरिएंट के लिए आपको करीब 11,29,000 रुपीज एक्स शोरूम कॉस्ट पर पे करने होते हैं। डिफरेंस की अगर हम बात करें तो इन दोनों ही वेरिएंट के बीच में अगर आप देखते हैं तो करीब 70,000 रुपीज का आपको एक्स शोरूम कॉस्ट पर डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि 70,000 रुपीज डिफरेंस में आपको फीचर के कौन कौन से डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो डिफरेंस आता है वो मिलता है एयर बैग्स का। ZXi प्लस वेरिएंट के अंदर आपको टोटल 4 एयर बैग्स दिए जाते हैं, जबकि ZXi वेरिएंट के अंदर आपको सिर्फ 2 एयर बैग्स ही मिलते हैं। दूसरा डिफरेंस आता है पार्किंग असिस्ट का। तो ZXi प्लस वेरिएंट के अंदर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा और सेंसर दोनों ही मिल जाते हैं, लेकिन ZXi वेरिएंट के अंदर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता, यहाँ पर सिर्फ रिवर्स पार्किंग सेंसर्स ही दिए गए हैं। तीसरा डिफरेंस आता है क्रूज कंट्रोल का। ZXi प्लस वेरिएंट के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल ऑफर किया जाता है, जबकि ZXi वेरिएंट के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल का फीचर नहीं दिया गया। चौथा डिफरेंस आता है दोनों के हेडलैम्प्स के बीच। ZXi प्लस वेरिएंट के अंदर आपको जो हेडलैम्प्स मिलते हैं वो ऑटोमेटिक टाइप के दिए गए हैं, साथ ही इसके अंदर आपको फॉलो मी होम और लीड मी टू व्हीकल का फीचर भी मिल जाता है, जबकि ZXi वेरिएंट के अंदर मिलने वाला हेडलैम्प आपको मैनुअल दिया गया है और यहाँ पर आपको फॉलो मी हेडलैम्प और लीड मी टू व्हीकल का फीचर नहीं मिलता। पांचवा डिफरेंस आता है म्यूजिक सिस्टम्स का। तो ZXi और ZXi प्लस दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर आपको 7 इंच स्क्रीन के साथ टच स्क्रीन एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले वाला म्यूजिक सिस्टम दिया जाता है, लेकिन अगर आप ZXi प्लस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सिस्टम ऑफर किया गया है वो एडवांस दिया गया है, जिसको स्मार्ट प्ले प्रो का नाम मिलता है, लेकिन ZXi वाला जो म्यूजिक सिस्टम है वो आपको स्मार्ट प्ले स्टूडियो वाला ही दिया जाता है। अब इन दोनों के बीच में आपको डेप्थ में क्या डिफरेंसेस मिलते हैं इसको हम आने वाली किसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे, ताकि आपको इन दोनों ही सिस्टम्स के बीच के अंदर का जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो सके। छठा डिफरेंस आता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हील होल्ड असिस्ट के फीचर का। ये दोनों ही फीचर्स आपको ZXi प्लस वेरिएंट के अंदर ऑफर किए जाते हैं, लेकिन ZXi वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलते। अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं तो हाँ, आपको ZXi वेरिएंट के अंदर भी हील होल्ड असिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी प्रोग्राम जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन मैनुअल में आपको नहीं दिए गए। सातवां डिफरेंस आता है स्टीयरिंग व्हील का। ZXi प्लस वेरिएंट के अंदर आपको जो स्टीयरिंग व्हील मिलता है उसके ऊपर आपको लेदर रैप का कंप्लीट फिनिश देखने को मिल जाएगा, और निचले पोर्शन पे आपको वहां पर जो जैसे कि डैशबोर्ड के ऊपर आपको वुडन मिलता है, सेम उसी तरीके का वुडन ट्रीटमेंट आपको दिया गया है, मतलब ओवरऑल काफी फिनिशिंग वाला आपको स्टीयरिंग व्हील दिया जाता है। लेकिन ZXi वेरिएंट के अंदर आपको स्टीयरिंग व्हील जो मिलेगा वो नॉर्मल टाइप का मिलता है, ना ही इसके ऊपर आपको वुडन का फिनिश मिलेगा और ना ही लेदर रैप। आठवां डिफरेंस आता है आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स का। तो दोनों ही वेरिएंट के अंदर आपको आउटसाइड रियर व्यू मिरर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल दिए जाते हैं, लेकिन जो ZXi प्लस वेरिएंट के अंदर आपको आउटसाइड मिरर मिलता है वो की के साथ सिंक होता है, यानी कि ये आपको की सिंक रिट्रैक्टेबल फीचर के साथ दिया गया है, लेकिन ZXi वेरिएंट वाला जो अपना आउटसाइड मिरर है ये आपको की सिंक नहीं मिलता, इसको आपको अंदर से ही फोल्ड अनफोल्ड करना होता है। तो दोस्तों, ये थे 8 डिफरेंसेस इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में। उम्मीद करते हैं आपको इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वाहन ऑफिशियल।